अच्छे डॉक्टर दे कोल गई हां, उन्हें क्या है तुहाडा इलाज कोई नहीं है, तुहानू विटामिन फिकू दी कमी है बस। एक ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। मैं क्या हूँ, चाचू ही बोलो। चाचू बोली जा रहे तो चाचू नहीं बोलना, इसको थप्पड़ नहीं मारना, मेरी रोजी रोटी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने एक वीडियो की थी हीर की जो काफ़ी वायरल भी हुई थी, और ये इफ्तिखार से प्यार करती हैं, दिलो जान से प्यार करती हैं, लेकिन अब इनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि ये तो प्यार वन साइडेड कर रही जा रही है लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिसकी टेंशन उन्होंने अपने सर पर ले ली हुई। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल। क्या हुआ है आपको? आप तो अच्छी खासी थी, अब क्या हो गया आपको? तबीयत क्यों ख़राब हो गई आपकी? कुछ भी नहीं, तुसीं वेख्या है पिछले दिनों भी जिहड़ी तुसीं इंटरव्यू किया उहदे च भी वीडियो आई है, सारा वायरल होईआं मैसेजिज़ ने इन्ना कुछ किया, लेकिन इस बंदे दी टेंशन लग गई मैनूं, इन्हें कोई जवाब नहीं दिता मैनूं। खेलने में बिजी है ना, इसलिए रिप्लाई नहीं किया होगा। कि सारा दिन खेड़दे रहिंदे ने, रोटी नहीं खांदे, खाणा खांदे ने ना, हाथ मूँह धोंदे ने, दोस्तां नाल टाइम गुजारदे ने, बैल फाड़दे ने, कोई सीन नहीं है, कोई जवाब नहीं देता मैनू। मुझे ये बताओ कि इतनी आपकी तबीयत ख़राब हुई हुई है, आप डॉक्टर के पास गए हो, क्या कहा है डॉक्टर ने, मतलब दवाई वगैरह दी है उन्होंने? गई हाँ, डॉक्टर के कोल भी गई हाँ, अच्छे डॉक्टर के कोल गई हाँ, उन्हें क्या है थोड़ा इलाज कोई नहीं है, तुहानू विटामिन फिकू की कमी है बस। हंसना बनता नहीं है, लेकिन विटामिन फिकू ज़्यादा हो गया है, तो फिर अभी विटामिन फिकू तो है नहीं, तो पैनाडोल ही खा लो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो पैनाडोल ही चलती है, वो तबीयत से तबीयत ठीक कर देगी आपकी। हूँ कुछ भी नहीं खाना, तुम दसता ना हूँ बंदा नहीं ना मेरे को आना, बस हूँ मैं उतर चली जाना। जब तक इफ्तिखार अहमद साहब इधर नहीं आएंगे, आके हीर से मिलेंगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही रहोगी, कोई दवाई वगैरह नहीं खाओगी? हाँ इन जी रहेंगी। तो फिर पतली हो जाओगी? पतली हो जाएंगी, चंगी गल ना, शायद उनको मेरी समझ आई है। मुकाबला फिर कैसे करोगी इफ्तिखार का? मुकाबला मेरा उनका बंद ही नहीं, प्यार केड़े मुकाबले होंगे ने। सांप मर गया लेकिन लाठी ना टूटी, मतलब इतना कुछ हो गया इस बंदी के साथ, लेकिन अभी भी इसके प्यार में कोई ज़रा भी तब्दीली नहीं आई है, वैसे ही इफ्तिखार अहमद साहब से प्यार करती हैं, ऐसे ही है बिल्कुल एंजी, कोई शक। अच्छा ये बालों को तो थोड़ा पीछे, तुसी मेरे कोल आए हो, तुसी मेरी हालत देख रहे हो, कुछ खाने दिल नहीं करता हूँ मेरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप खुद इंडिया के हो, आप इंडिया नहीं गए हो, क्योंकि मैच तो वहीं पे हो रहे हैं, तो जाके मिलने की कोशिश करो, वहाँ पे जाके आवाज़ें, तो क्या पता इफ्तिखार आपसे मिल ले। तुहानू दस्सिया ना किसी वजह तो मैं इंडिया नहीं जा सकती, ले मैं जाना सी मैच वेखन भी नहीं गई। क्यों, वजह क्या है? मैं इस टाइम इतने आई हाँ, तुहानू पता मैं दुबई हाँ, दुबई आके पैसा तक कमाया, उस तो अलावा भी एक होर रीज़न है, घर दियां दा मसला है। उन्होंने कहा जिथे नज़र आई उत्थे असी मार देनी है, इतने इंडिया दी होके पाकिस्तानियों नू सपोर्ट कर दी, उन्होंने प्यार कर दी, इन्ने क्रिकेटर इतने भी नहीं, कोई सीन नहीं है, इस करके उन्होंने मना किया। यही पूछने वाली थी कि मतलब घर वालों ने तुम्हें परमिशन दे दी है कि आप वैसे मतलब इंडिया के हो और पाकिस्तानी क्रिकेटर को आप फॉलो कर रहे हो और उससे प्यार कर रहे हो? नहीं कोई इजाज़त नहीं है, मैं सिर्फ अपने दिल के पीछे लग के पागल हुई हूँ, शदाना तना फिरती पी हूँ, कोई सीन नहीं है, घर दिया तो कोई सपोर्ट नहीं है। मैं कभी सोचा कि डॉक्टर को चेक करवा लूँ कि क्यों दिल पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर ने दसिया बीबी तेरा इलाज साढ़े को नहीं है, इफ्तिखार के पास, इफ्तिखार के कोल है, उधर जाओ, उधर मत्था मार, शायद तेरी सुनी जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर इफ्तिखार से फाइनली आपकी शादी हो जाती है तो फिर? हाय की कह रहे हो? इफ्तिखार से अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर की वेख नहीं रहे, थोड़ी जी तबीयत फ्रेश लग रही है। इफ्तिखार से शादी का नाम लेती गई हो तो बच्ची उठ के बैठ गई है, तो जब शादी होगी तो फिर क्या होना है? फिर सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया। ऐसा प्यार होना चाहिए, और ये पहला दो ना और सरदों के बीच में प्यार होगा, है ना? बिल्कुल एंजी होएगा। माना कि आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी अगर कहूँ कि कुर्बानी दो और इफ्तिखार के लिए कोई हमें गाना सुना दे, इफ्तिखार अहमद साहब के लिए, तो कोई सुनाओ गाना। गाने इफ्तिखार दी आज जिन्ने को ने गाना तुहानू सुनानी आ, जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, एक ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। तुम हो गया प्यार, मतलब करती थी, अब प्यार नहीं है? है क्यों नहीं है, मैं तुहानू गाना सुनाया मेरे तो प्यार ही खत्म हो गया हुआ है चाचू जी से। नहीं
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਸੇ ਆਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਜਾਊਂ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਮਿਲ ਲੂੰ ਉਸਕੀ ਅੰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਸੇ ਵੀ ਸਸੁਰ ਸੇ ਵੀ ਤੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੜਨੇ ਪੈਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਾਨ ਜਾਏਗੇ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਚੂ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਾਚੂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਚਾਚੂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸਕੋ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋਗੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਗਈ ਬਸ ਕਰੋ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਨਹੀਂ मतलब इफ्तिखार का नाम लो ना तो हीर बिल्कुल ठीक हो जाती है एंड पे इफ्तिखार के लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज मैसेज जमानम हीर दई ये पाकिस्तान में और हम इनके साथ एक दोबारा इंटरव्यू करें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर हमारे चैनल पर नया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हंसते रहें मुस्कुराते रहें दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में तब तक के लिए हमें दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़